प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन के सऊदी अरब के दौरे पर हैं, जहां पर रियाद में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव समिट में हिस्सा ले रहे हैं और इस समिट ने व्हाट इज नेक्स्ट फॉर ग्लोबल बिजनेस को लेकर इसमें चर्चा होगी। तो पीएम मोदी सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे। दोनों देशों के बीच तेल, गैस, ऊर्जा और नागरिक उड्डयन समेत कई अहम समझौते हो सकते हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी यूएई में रुपे कार्ड को भी लॉन्च करेंगे। तो दो दिन का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो बेहद ही अहम है भारत के लिए। कई अहम समझौते, कई अहम करार यहां पर हो सकते हैं। तो भारत सऊदी अरब के रिश्ते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब और मजबूत होंगे और इस बीच एक नए युग की शुरुआत हो गई है। भारत सऊदी अरब के द्विपक्षीय रिश्ते मजबूत हो गए हैं और दोनों देश मिलकर विकास के लिए काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब पहुंचे हैं और कल रियाद में उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान वहां से आया है, जहां पर कहा है कि दोनों देश मिलकर विकास की एक नई इबारत लिखेंगे, एक नए युग की शुरुआत यहां पर हो गई है।